नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। आज मैं आई हूँ डेरा सजा सौदा में। यहाँ पे नाम चर्चा है और यहाँ पे बहुत से लोग आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि अभी तक वो यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, आखिर ऐसा क्या है जो अब तक वो आ रहे हैं। हेलो मैम। हाय, क्या नाम है आपका? रीमा इंसा। बड़े खुश लग रहे हैं आज भी आप यहाँ आकर? क्योंकि आज भी हमारी खुशी वैसे की वैसी बेकरार है जैसे पहले थी। तो आपको कितने साल हो गए यहाँ आते हुए? कम से कम 10-12 साल हो गए। 10-12 साल, और आप एक गर्ल हैं, आपको अपनी सेफ्टी की बिल्कुल परवाह नहीं है क्या? मीडिया ने इतना कुछ बोला है, आप फिर भी आ रही हैं। मीडिया का क्या है, वो सारा दिन बकवास करता रहता है, हमने मीडिया की थोड़ी सुननी है। हम पहले भी सेफ थे, आज भी सेफ है। गुरुजी ने हमें आत्मरक्षा करनी सिखाई है, जो हम अपनी आराम से कर लेते हैं आत्मरक्षा। तो आप, मैंने सुना था कि गुरुजी ने कोई फोर्स बनाई है, आप मुझे उसके बारे में बताएंगे कैसी फोर्स बनाई है? हाँ जी, वो ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स है, जो जरूरतमंदों और गरीबों और या फिर कहीं बाढ़ या कहीं विपदा आती है तो वो सबसे आगे रहती है। जैसे अमृतसर में जो हादसा हुआ, और आज वो फोर्स वहाँ पर जाकर दिन रात ब्लड डोनेट कर रही है और उनकी मदद कर रही है। क्या ये फोर्स किसी से पैसा लेती है? नहीं, ये अपना ही पैसा खर्च करती है, अपना ही खाना पीना लेके चलती है। इनफैक्ट वो बल्कि अपना खुद का साथ लेके जाती है, बल्कि उनका भी लेके जाती है जिनको जरूरत होती है सामान की। क्या आप बताएंगे इसमें कितने एक लोग होंगे और आखिर वो क्यों आ गए इस फोर्स में? कम से कम लाखों लोग होंगे, जितने पुलिस में नहीं होंगे उतने यहाँ होंगे डेरा सच्चा सौदा के वेलफेयर लोग। क्या उनको कोई जबरदस्ती की गई इस फोर्स में आने के लिए? नहीं, वो अपनी खुशी से जाते हैं, उन्हें देश की सेवा करने का एक जुनून है जो हमेशा चढ़ता रहेगा। अगर देश की सेवा करना पाप है तो ये पाप हम अपनी सांस तक करते रहेंगे। आपका जज्बा काफी काबिले तारीफ है। तो क्या बताएंगे कि ऐसा क्या है जो आप फिर भी इतने बुलंद हौसले हैं आपके, अभी भी आप में जोश है कि आप वो सेवा भी करेंगी, डेरे भी आएंगी? अभी तक आपको अपने गुरु पे विश्वास है, इतना कुछ हो गया है गुरु जी के साथ और आप लोगों के साथ भी बहुत कुछ हुआ है, तो अभी भी आपके अंदर वो जोश बरकरार है? हमारे ऊपर गुरुजी के जाने के बाद कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, हम जैसे थे वैसे आज भी है, और बल्कि हमारे अंदर देश की सेवा करने का और भी जुनून पैदा हो गया है। अगर लोग हमें जितना मर्जी रोक लें, हम नहीं रुकने वाले। अगर देश की सेवा करना पाप है तो ये पाप अपने मरते दम तक करते रहेंगे और हमेशा देश की सेवा करते रहेंगे। क्या आपको अब भी अपने गुरु पर विश्वास है? बहुत ज़्यादा। अगर भगवान भी आके कहे कि गुरु को छोड़ दो, हम तो भी ना छोड़े। क्या बात है। तो ये था जज्बा इनके अंदर, जो ये कहते हैं कि चाहे भगवान भी आके बोले तो भी हम अपने गुरु का दर नहीं छोड़ेंगे। तो हमारे से जुड़े रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। सच का साथ देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू।